तो देखो मैं तुम्हें ना ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो कि मैंने अभी अपनी रिसेंटली वीडियो बनाई, तुमने अगर देखी नहीं है तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो, फटाक से जाओ और पहले उसको देख लो ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि मैं किस प्रकार का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ तुम सबको। तो जो स्लोमो की वीडियोस है ना, उन सब का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो फुल वीडियो ना जहाँ से मैंने स्लोमो निकाले खींच के, उसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ना, ये वाली, मतलब गूगल पे जो मैंने सर्च किया था, लिखा हुआ आया था ना कि फैंस कैन मार्क देयर कैलेंडर फॉर अगस्त 4, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चीज़ का मिलेगा, तुम जो कहो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। हर चीज़ नहीं, मतलब मैं जो अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ उसका एलिमेंट। तो चलो सीधा चलते हैं अपनी एडिटिंग प्रोसेस की तरफ। तो देखो सिंपली तुम्हें अपना कैपकट ओपन करना है, और यहाँ पर तुमको सबसे पहले गाना ले लेना है, ये वाला जो मैं तुम्हें ये वाली वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ये मैंने सिंपली इंस्टा से उठाई थी, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना, कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद ना तुम्हें यहाँ पर अपनी वो वाली वीडियो इंपोर्ट करनी है जो कि सिंचैन की थी, ठीक है। इतना करने के बाद जहाँ पर ये अपना सिंचैन ये होता है ना, एकदम स्टेबल होता है ये वाली जगह, वहाँ पर एकदम तुम जाके यहाँ पर फ्रीज़ कर देना फ्रेम को, ये फ्रेम फ्रीज़। उसके बाद जो आगे पीछे के दो दो है ना, दो दो टर्मिनल्स, उनको डिलीट कर देना, टर्मिनल्स कह रहा हूँ यहाँ ये मैं। तो उसके बाद ना तुम देखो क्या करना है, यहाँ पर मार्क कर लेना सबसे पहले, ठीक है, मार्क कर लेना जहाँ जहाँ पे तुम्हारी बीट्स आ रही है। मुझे तो याद हो गया, यहाँ पर आती है एक, यहाँ पर आती है, और एक सेकेंड यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, और एक यहाँ पर आती है। तो ये बीट्स है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट है, तो ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें ना अपने पहले फ्रेम्स को इतना एक्सट्रैक्ट करना है कि यहाँ तक आ जाए। उसके बाद इसको घुमा के तुम्हें कर लेना है ऐसे में, उसके बाद इसको कर लेना अच्छे से जूम जितना कि फुल फ्रेम पे हो जाए, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना बस। इतना करने के बाद ना तुम्हें ना क्या करना है, वो चीज़ मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं अपनी सभी वीडियोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जितनी अपनी स्लोमो वाली 5 वीडियोज़ का तुम्हें लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन में, उन 5 को तुम्हें इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो सबसे पहले ये उड़ने वाला सीन आएगा, ठीक है, सिंचेंस। अगर तुम आगे पीछे भी करना है तो तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, एज योर विश माय ब्रो, जैसा तुम चाहो, तुम अपनी मनमर्जी के राजा हो यार। उसके बाद इसकी मॉम, भाई क्या खतरनाक लुक दिया है, ये मूवी यार बहुत मस्त है लिटरली। मतलब जो मैंने इसका ट्रेलर देखा ना, तो मुझे ये इतनी मस्त लगी, तो बताओ यार मूवी कितनी मस्त लगी। और तुम ट्रेलर देखना और इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना, तुम्हें पता चला ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एडवेंचुरल है काफ़ी ज़्यादा। तो इतना करने के बाद ना तुम्हारा जो आधे ज़्यादा काम होता है ना, वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना अपना VPN कनेक्ट, मैं भी कर लेता हूँ फटैक्स से। The next day, तो मैंने कर लिया VPN कनेक्ट, जैसा कि तुम देख सकते हो ऊपर आगे लिखा हुआ VPN। उसके बाद तुम्हें देखो क्या करना है, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर इफेक्ट्स पे क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर तुम्हें वीडियो इफेक्ट पे जाना है। वीडियो इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एक डिस्ट्रॉय का ऑप्शन होगा, तुम ऊपर ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो डिस्ट्रॉय का ऑप्शन होगा, उसमें जो लास्ट वाला है ना रिपल डिस्ट्रॉय, इस पर क्लिक करना, ठीक है। तो 1 सेकेंड मैं ज़रा इसका साउंड कम कर दूँ वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा, इतना कर देते हैं। उसके बाद देखो तुम्हें ना क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से आ जाना अपने प्यारे इफेक्ट्स पे, और इसको इतना फुल कर लेना यहाँ तक, ठीक है। इतना करने के बाद ना अगर तुम्हें यही सेटिस्फाइड लग रहा है ना भाई, यही रखना, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लग रहा सेटिस्फेक्शन, ये ब्लरनेस को कम करो, इसको कम करो, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ना इसकी हल्की सी कम कर दो, इसकी स्पीड भी हल्की सी कम कर दो, बस साइज से क्या होता है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद ना तुम्हें ट्रांजिशन कौन सी लगानी है, मैं बताता हूँ, ये शोर आ रहा था ना इसलिए मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ट्रांजिशन लगानी है ब्लर वाली, जो कि मैंने लगाई, मैंने जैसी बनाई ना मैं एज इट इज़ वैसी बुला रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन, सिंपल ब्लर, कोई वुश वुश नहीं, कोई प्रैक्टिकल पार्टिकल्स नहीं, कोई स्क्वायर ब्लर नहीं, नॉर्मल ब्लर, उस पर जाना, गॉट इट, इतना करने कर देना, ठीक है, बस यहाँ पर तुम्हारा ऐसा लग जाएगा। तो यही चीज़ तुम्हें सिमिलर सब पे कर देनी है, ठीक है, मैं भी फटाक से कर देता हूँ। The next day, देखो इसमें ना क्या करना है, अब तुम्हें सिंपली जाना है, अब सबसे छोटा काम आता है, अब तुम्हें क्या करना है, शेक इफेक्ट अप्लाई करना है। शेक इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जाओ,
ट्रेंडिंग पे चले जाओ, यहाँ पर शेक का ऑप्शन होगा, शेक को दबाओ। शेक पे जाने के बाद तुम इसको एकदम छोटा कर लो। छोटा करने के बाद मैं सिर्फ एक पे बताऊँगा, ठीक है? चलो दो पे बता देता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर जाओ, इसको 100-100 कर लो पहले वाले को, फिर इसको कॉपी करो, फिर इसको कर लो 50-50 और ये भी 50। फिर इसको थोड़ा सा आगे कर देना, इसके जस्ट आगे, डन। इतना थोड़ा सा पीछे मेरे दोस्त, हाँ बस। इतना करने के बाद इसको एक बार कॉपी करो और यहाँ पे कर लो इसको 10-10, ठीक है? तो हम भी कर लेते हैं 10-10-10-10-10-10-10, ठीक है? इतना करने के बाद तुम्हें सिंपली एक छोटी चीज़ करनी है, जो कि है इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर दो। कॉपी कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये कॉपी किया, आगे ले गए, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और रखना ऐसे कि हल्का सा यहाँ रहे और बाकी वहाँ रहे, ठीक है? ऐसे रखना। और फिर 50 वाले को कॉपी किया, उसको आए आगे लेके यहाँ रख दिया, और फिर ये 10 वाले को कॉपी करके लाए, यहाँ लाए और यहाँ रख दिया। तो ऐसे तुम सभी फ्रेम्स पे कवर अप कर लेना, मैं भी फटाक से कर आता हूँ। तो मैंने ये कर दिया और तुम देखो वीडियो कैसी लग रही है, काफ़ी सही लग रही है। जैसे मैंने बनाई ना एज इट इज़ वैसी ही लग रही है। तो देखो इतना करने के बाद ना तुम्हें ना सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जहाँ से तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो लो होना शुरू होता है ना, वहाँ पर आ जाना एकदम टी पॉइंट पे, ठीक है? ऊपर वाले। इसके बाद ना यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, स्टॉक्स पे जाना है। स्टॉक्स पे जाने के पश्चात तुमको ये ब्लैक स्क्रीन जो है इंपोर्ट करनी है, इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद इसको छोटा कर लेना है, यहाँ पर एकदम एंड में ले आना है, एक की फ्रेम एंड में, एक की फ्रेम शुरुआती पुलाव में। शुरुआती पुलाव की फ्रेम्स को एकदम लो डेंसिटी में कर दो, ठीक है? लो इंटेंसिटी, ठीक है? इतना करने के बाद बस तुम्हारी वीडियो हो गई कंप्लीट। अब इसको करो तुम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद डन कर दो। इसके बाद तुम्हारा सारा काम खत्म होता है। अब काम होता है अलाइट मोशन का। अलाइट मोशन में काम क्या है, सबसे पहले तुम अपना जो VPN है उसको हटा देना, ठीक है? अलाइट मोशन में काम है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी वीडियो को इम्पोर्ट करना है। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक XML दिया है वो ले लेना। उसमें तुम्हें ये दो चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ ये दो मिलेगी, जो कि क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए होती हैं। तो तुम्हारी क्वालिटी ना ऐसी हो जाएगी, ठीक है? वीडियो क्वालिटी जो कि दिखने में काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिलाता है। और इतना होने के बाद तुम्हारी वीडियो हो जाती है मेरे दोस्त कंप्लीट।